कर रहा है बराबर गाड़ियों पे, आप कहाँ थे सर इस दिन? तो आपने क्यों नहीं विरोध किया पुलिस प्रशासन की? अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। मध्य प्रदेश के खरगोन में रेत ठेकेदारों ने SDM के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा कर दिया और इसके बारे में SDM से बहस करते हुए भी नजर आए। रेत ठेकेदारों का कहना है कि पुलिस और जिला प्रशासन उन पर झूठी कार्रवाई कर रहा है। रॉयल्टी जमा करने के बावजूद भी पुलिस उनके वाहनों को पीछा कर झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं और जेल भेज रहे हैं। मैं खरगोन जिले का रेत ठेकेदार हूँ। मैंने रेत का ठेका ले रखा है खरगोन में करोड़ों रुपए से। पिछले 3-4 महीने से हम लीगल रॉयल्टी काट के विधिवत काम कर रहे हैं, पर पिछले 2-3 महीने से पुलिस वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं, हमारी रेत की गाड़ियों को जिस पर रॉयल्टी होती है उसको जबरन रोक के कार्रवाई करते हैं। उन पर 379 जो कि गजट नोटिफिकेशन में भी है कि रॉयल्टी वाली गाड़ी को आप 379 का केस नहीं बना सकते, उसके बावजूद वो मनमानी करके केस बना रहे हैं। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे सामने और मेरे जितने भी साथी हैं, कम से कम हजारों मजदूर, हजारों कर्मचारी, हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामला ये है कि ओवरलोड पे कार्रवाई होना थी। अभी जो बस गिरी है उसमें जो सारे लोग दिवंगत हुए हैं उनके लिए हमें खेद है, लेकिन उस सिलसिले में दूसरी गाड़ियों पे कार्रवाई होना ये अनुचित है। पुलिस ओवरलोड का प्रकरण बना के 379 धारा लगा रही है, जो कि रॉयल्टी होने के बाद भी माल को चोरी का बता के ड्राइवर और मालिक को जेल भेजे। वहीं इस मामले में SDM का कहना है यह खनिज विभाग का मामला है। मुझे इस बारे में पता चला कि DM दफ्तर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं, जबकि दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू है। नहीं, ये खनिज का मुद्दा है। अब खनिज विभाग, अभी मेरे को तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर विधिवत तरीके से बहुत सारे लोग जमा हैं जो एग्रेसिव हैं, और वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर भी धारा लगी हुई है 144। तो हमारा इतना ड्यूटी है कि आप ज्ञापन वगैरह विधि पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन उस किसी विधि के या संविधान के उल्लंघन के उसमें नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई ओवरलोडिंग को लेकर हमारे गलत की जा रही है। वो खनिज अधिकारी हैं, उनका वो है कि वो चेक करें। बता दें, खरगोन में जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे ठेकेदार परेशान हैं और रेत का काम बंद होने से ठेकेदारों को 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं ठेकेदारों ने कहा कि पुलिस रॉयल्टी वाली गाड़ियों पर भी धारा 379 के तहत झूठे मामले दर्ज कर ड्राइवर ठेकेदारों को जेल भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।